जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके प्लेटफॉर्म में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में। दोस्तों अभी तक हम यहां पर देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी जनपद के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके बाद आज स्टार्ट करते हैं रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद की बेसिक चीजें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद की, तो इसकी स्थापना होती है 18 सितंबर 1997 ईस्वी को रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना होती है। और इससे पहले दोस्तों ये कुछ इसका भाग पौड़ी गढ़वाल में था, कुछ चमोली में, कुछ उत्तरकाशी और कुछ टिहरी जनपद में। 1997 में इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट करके चमोली से लिया गया, पौड़ी गढ़वाल से लिया गया, उत्तरकाशी और टिहरी से लिया गया। दोस्तों बात करें दोस्तों इसकी आंतरिक सीमाओं की, तो उत्तराखंड का एक ऐसा जनपद है जिसकी सिर्फ आंतरिक सीमाएं हैं, यानी इसकी सीमा ना किसी अन्य देश से टच में है और ना किसी राज्य से, सिर्फ आंतरिक सीमा बनाता है अपना रुद्रप्रयाग जनपद। पूर्व की बात करें तो चमोली में दोस्तों इसके पूर्व में चमोली जनपद, उत्तर में उत्तरकाशी और दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल, पश्चिम में टिहरी गढ़वाल, चार जनपदों से इसकी आंतरिक सीमाएं लगती है। उत्तर में उत्तरकाशी, पूर्व में चमोली, दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल और पश्चिम में टिहरी गढ़वाल। दोस्तों आपने सुना होगा यहाँ पर रुद्रप्रयाग की पंच प्रयाग में से एक प्रयाग अपना रुद्रप्रयाग होगा। आपको पता है दोस्तों कि पंच प्रयाग कौन कौन से उत्तराखंड में, सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग जो कि पश्चिमी धौली गंगा एवं अलकनंदा नदी के संगम पर बसा है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नंद प्रयाग जो कि अलकनंदा नदी एवं नंदाकिनी नदी के संगम पर बसा है। उसके बाद कर्ण प्रयाग आता है दोस्तों जो कि पिंडर नदी एवं अलकनंदा के संगम पर है। और उसके बाद आता है अपना रुद्रप्रयाग जो कि यहाँ पर अलकनंदा नदी और मंदाकिनी के संगम पर बसा है। रुद्रप्रयाग जनपद अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर बसा है और ये पंच प्रयागों में एक प्रयाग है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक तरफ भागीरथी और दूसरी तरफ अलकनंदा, यहाँ पर बसा है दोस्तों आपका कौन सा देव प्रयाग। तो ये पांच प्रयाग हो गए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। वहीं बात करें दोस्तों यहीं पर हमारे पंच केदारों में से तीन केदार रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित होगा। आपने सुना है दोस्तों कि पंच बदेरी, पंच केदार, पंच प्रयाग ये किचन है, तो पांच केदार दोस्तों कहाँ पर है। पांच केदार दोस्तों बात करें तो तीन केदार पड़ते हैं आपको रुद्रप्रयाग में, दो केदार पड़ते हैं आपके कहाँ चमोली जनपद में। वही पंच बदरी की बात करें तो ये पूरे चमोली जनपद में है पांचवी बदरी। और पंच प्रयाग की बात करें तो तीन आपके चमोली जनपद में, एक रुद्रप्रयाग में और एक टिहरी में आता है देव प्रयाग। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद की। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सुना होगा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर तुंगनाथ मंदिर भी स्थित है जो कि पंच केदारों में एक प्रसिद्ध केदार है। पांच केदारों की बात करें रुद्रप्रयाग, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, ये दोस्तों तीन रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। वहीं बात करें चमोली जनपद की तो रुद्रनाथ और कल्पेश्वर ये आपके आते हैं चमोली जनपद के अंतर्गत। अब देखें दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हैं रुद्रप्रयाग की स्थापना कैसे हुई, कब हुई और किस किस की सीमाओं से मिलकर रुद्रप्रयाग जनपद बना है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि 18 सितंबर 1997 ईस्वी से पहले रुद्रप्रयाग कुछ टिहरी का हिस्सा, कुछ चमोली का, कुछ उत्तरकाशी और कुछ पौड़ी गढ़वाल का हिस्सा था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर रुद्रप्रयाग जनपद को बनाया गया और 18 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जनपद बना। दोस्तों बात करें दोस्तों 1989 में, तो 1900 यानी 1989 में रुद्रप्रयाग को एक
तहसील बनाया गया था। 1990 में रुद्रप्रयाग को एक तहसील बनाया गया और 1997 में रुद्रप्रयाग जनपद अलग कर दिया गया। वही बात करें 2002 में, तो 2002 में रुद्रप्रयाग को नगर पंचायत घोषित कर लिया गया और उसके बाद दोस्तों सन 2006 में रुद्रप्रयाग जनपद को नगर पालिका घोषित कर दिया गया। तो ये थी बेसिक जानकारी रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में। अब दोस्तों सीक्वेंस से यहाँ पर पढ़ते हैं रुद्रप्रयाग जनपद में कि क्या क्या स्थिति है इसका उत्तराखंड में। सबसे बात पहले बात करते हैं दोस्तों प्राचीन नाम। दोस्तों इसका प्राचीन नाम है पुनाड़ के नाम से रुद्रप्रयाग जनपद को जाना जाता है। दोस्तों वैसे इसकी हिस्ट्री भी सेम टिहरी चमोली पौड़ी और उत्तरकाशी की तरह होगी, क्योंकि इससे पहले ये इन अलग अलग जनपदों का एक छोटा सा क्षेत्र या एक अलग पार्ट था। तो अब 1997 के बाद कुछ खास हिस्ट्री नहीं है, लेकिन पुरातात्विक सोर्स बहुत कुछ है रुद्रप्रयाग जनपद में। ऐतिहासिक हिस्ट्री इसकी कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले ये अलग अलग जनपदों का क्षेत्र था, लेकिन जो इसके पुरातात्विक सोर्स हैं वो बहुत कुछ जानकारी देते हैं हमें उत्तराखंड के बारे में या देव स्थलों के बारे में। बात करते हैं प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम है इसका पुनाड़ के नाम से रुद्रप्रयाग जनपद को जाना जाता है। उसके बाद बात करें महाभारत काल में, तो महाभारत काल में दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद को रुद्रावर्त के नाम से जाना जाता था। रुद्रावर्त यानी रुद्र का क्षेत्र जिसे कहेंगे रुद्रावर्त। रुद्र किसे कहते हैं? शिव भगवान को कहा जाता है। तो रुद्रावर्त इसका महाभारत काल में नाम था। किसका? रुद्रप्रयाग जनपद का। वहीं बात करें मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है दोस्तों रुद्रप्रयाग में ही इसका मुख्यालय है रुद्रप्रयाग। क्षेत्रफल की बात करें तो 1984 स्क्वायर किलोमीटर यानी 1984 स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर रुद्रप्रयाग जनपद का क्षेत्रफल है। वही बात करें दोस्तों उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद तो कौन सा है? चमोली, जिसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? चमोली का क्षेत्रफल है 8030 स्क्वायर किलोमीटर यानी 8030 वर्ग किलोमीटर चमोली जनपद का क्षेत्रफल है, जो कि उत्तराखंड का सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जनपद है। बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर आता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है दोस्तों यहां पर कितना? 8016 स्क्वायर किलोमीटर। ये दूसरे नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है उत्तराखंड का। कौन सा? उत्तरकाशी। 8016 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया यानी क्षेत्रफल है। रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल कितना है? 1984 स्क्वायर किलोमीटर रुद्रप्रयाग जनपद का क्षेत्रफल है। वही जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व है इसका 122 जनघनत्व है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद का। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 1114 है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद का। 1114 रुद्रप्रयाग जनपद का लिंगानुपात है। वही बात करें दोस्तों अगर जनसंख्या की, तो रुद्रप्रयाग की जनसंख्या है 242,285। कितनी? 242,285 रुद्रप्रयाग जनपद की जनसंख्या है। मेंशन कर देता हूं दोस्तों यहां पर 242,285 रुद्रप्रयाग जनपद की क्या है? जनसंख्या है। इसके बाद बात करते हैं नगरीय आबादी। तो नगरीय आबादी दोस्तों बहुत कम है रुद्रप्रयाग की, 4.90%। बाकी का जो भी क्षेत्र है यानी 96% या 95.10% इसका पर्वतीय क्षेत्र है संपूर्ण रुद्रप्रयाग जनपद का। बात करें साक्षरता, तो इसका लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर है दोस्तों इसकी 82.09 रुद्रप्रयाग जनपद की साक्षरता है, यानी लिटरेसी रेट कितना है? 82.09%। वही बात करें दोस्तों अगर उत्तराखंड का पुरुष साक्षरता में सबसे बड़ा जनपद यानी जिसकी पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है, तो रुद्रप्रयाग जनपद में
पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है जो कि है दोस्तों 93.90% पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है रुद्रप्रयाग जनपद की संपूर्ण उत्तराखंड में। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो चमोली जनपद में पुरुषों की साक्षरता आती है दूसरे नंबर पे 93.40%। तो इतना चमोली का इतना गैप है दोस्तों, पॉइंट पॉइंट का गैप है यहाँ पर कि सबसे अधिक पुरुष साक्षरता किस जनपद की है, रुद्रप्रयाग जनपद की है। और सबसे सेकेंड नंबर पर किसकी है दोस्तों, ये चमोली जनपद की है 93.40%। वहीं बात करें दोस्तों विधानसभा सीटों की, किनकी विधानसभा सीट, तो रुद्रप्रयाग में दोस्तों दो विधानसभा सीटें हैं, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ। मैंने डिस्कस किया था कि चारों धामों में से एक धाम यहाँ पर स्थित है जिसे केदारनाथ के नाम से जाना जाता है, ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो दोस्तों केदारनाथ और रुद्रप्रयाग स्वयं यहाँ पर दो विधानसभा सीटें हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। कौन कौन सी है दोस्तों, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ, दो विधानसभा सीटें हैं रुद्रप्रयाग जनपद में, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ पर ब्लॉक खंडों की, तो तीन ब्लॉक खंड है यहाँ पर, यानी तीन विकास खंड है रुद्रप्रयाग जनपद में। कौन कौन से, उखीमठ, जखोली और अगस्त मुनि, तीन यहाँ पर ब्लॉक है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में, उखीमठ, जखोली और अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि दोस्तों बात करें तो उत्तराखंड का ऐसा जनपद जिसमें मिनिमम यानी सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद हो गया चंपावत बागेश्वर, जहां पर विधानसभा सीटें कम हैं। वहीं बात करें ब्लॉक की, तो बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में सबसे कम ब्लॉक है या विकास खंड कह सकते हैं। बात करें तहसीलों की, तो चार तहसीलें हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में, जिनमें से मैं बताता हूं आपको यहाँ पर। सबसे पहले है दोस्तों रुद्रप्रयाग, उखीमठ, जखोली और बसुकेदार। कौन सी दोस्तों, बसुकेदार। तो ये यहां पर चार तहसीलें हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि 1989 में रुद्रप्रयाग जनपद को एक तहसील बनाया गया और उसके बाद 97 में स्थापना की गई, उसके बाद सन 2002 में इसको नगर पंचायत घोषित कर लिया गया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सन 2006 में रुद्रप्रयाग को नगर पालिका बनाया गया, रुद्रप्रयाग को नगर पालिका बनाया गया कब, सन 2006 ईस्वी में। बात करें दोस्तों यहाँ पर ग्लेशियर की, तो दो ग्लेशियर है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में, केदारनाथ ग्लेशियर और चौराबाड़ी ग्लेशियर। कौन कौन से, केदारनाथ ग्लेशियर और चौराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ और चौराबाड़ी ग्लेशियर। ये है दोस्तों यहाँ पर दो ग्लेशियर, केदारनाथ और चौराबाड़ी। अगर बात करें दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद के प्रमुख तालों के बारे में, बेसिक चीजें तो हम पढ़ चुके हैं रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में कि कौन कौन सी आंतरिक सीमाएं हैं, स्थापना कब हुई, कितनी विधानसभा सीटें हैं और कितना लिटरेसी रेट है इसका, पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी किसकी है कितनी है, तो ये सारी बेसिक चीजें हम पढ़ चुके हैं रुद्रप्रयाग जनपद की। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख ताल। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहां पर सर्वधी ताल की, सर्वधी ताल दोस्तों इसको चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है, चौराबाड़ी। और दोस्तों यहां पर जब 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी तो उनकी अस्थियां
इस सरोवरी ताल में बहा दी गई थी, यानी बहाई गई थी। इस सरोवरी ताल में महात्मा गांधी जी की अस्थियां, जिस कारण इसका नाम पड़ गया गांधी सरोवर। 1948 में सरोवरी ताल का नाम क्या पड़ गया दोस्तों? गांधी सरोवर, गांधी सरोवर। अब बात करते हैं दूसरे ताल की। तो दूसरा ताल है दोस्तों देवरिया ताल। दोस्तों देवरिया ताल को पुराणों में इंद्रप्रयाग भी कहा गया है। देवरिया ताल जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में है, और इसको पुराणों में क्या कहा गया है? इंद्रप्रयाग, इंद्रप्रयाग कहा गया है पुराणों में देवरिया ताल को। देवरिया ताल को पुराणों में इंद्रप्रयाग कहा गया है। उसके बाद करते हैं दोस्तों बात बधाणी ताल। बधाणी ताल, बधाणी ताल दोस्तों माना जाता है कि बधाणी ताल में रंग बिरंगी मछलियां पाई जाती है, और यहाँ पर दोस्तों ये कहा गया है कि बधाणी ताल में लाल रंग की मछलियां पाई जाती हैं, कलरफुल और लाल रंग की मछलियां पाई जाती है कहाँ पर? बधाणी ताल में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों वासुकी ताल की। वासुकी ताल ये भी कहाँ पर है? ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में है, और दोस्तों वासुकी ताल अपना ये टिहरी और रुद्रप्रयाग जनपद के मध्य है। यहाँ पर कह सकते हैं टिहरी और रुद्रप्रयाग के मध्य वासुकी ताल है। दो जनपदों में इसकी सीमा है। कौन कौन से? टिहरी और रुद्रप्रयाग में वासुकी ताल के नाम से इसको जाना जाता है। और दोस्तों इस ताल का पानी लाल रंग का है। वासुकी ताल का पानी कैसा है? इसका है लाल रंग का पानी। और ये ताल दोस्तों नीले कमल के लिए फेमस है। लाल रंग का पानी पाया जाता है इस ताल में, और ये नीले रंग के कमल के लिए फेमस है। नीले कमल के लिए फेमस है वासुकी ताल, जो कि टिहरी और रुद्रप्रयाग सीमा पर है। वही बात करें दोस्तों नेक्स्ट ताल की, भैंक ताल। भैंक ताल की बात करते हैं दोस्तों। इस ताल का आकार दोस्तों अंडाकार है। भैंक ताल का आकार अंडाकार है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन से ताल का आकार अंडाकार है। ऑप्शन में दे देगा देवरिया, बधाणी, वासुकी, भैंक ताल। तो आंसर क्या होगा? भैंक ताल इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सुखदी ताल की। सुखदी ताल भी कहाँ पर है? ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में है। नेक्स्ट है दोस्तों केदार ताल, या कह सकते हैं केदार ग्लेशियर ताल। केदार ग्लेशियर ताल भी कहाँ पर है? ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर ये 7-8 इम्पोर्टेंट ताल पढ़ लिए हमने, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से ताल? सबसे पहले सर्वधी या चोराबाड़ी ताल, जिसको 1948 के बाद गांधी सरोवर के नाम से जाना गया। फिर देवरिया ताल पढ़ा हमने कि देवरिया ताल क्यों फेमस है, क्योंकि इसको पुराणों में इंद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बधाणी ताल के बारे में हमने पढ़ा कि बधाणी ताल में रंग बिरंगी प्रकार की मछलियां या लाल रंग की मछलियां पाई जाती है। उसके बाद हमने वासुकी ताल के बारे में पढ़ा कि ये टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है, और इस ताल का पानी लाल रंग का है, और ये ताल नीले रंग के कमल के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। उसके बाद हमने पढ़ा भैंक ताल, जिसका आकार स्ट्रक्चर कैसा है? अंडाकार या ओवलेट है। नेक्स्ट है सुखदी ताल, उसके बाद केदार ग्लेशियर ताल। ये 7 ताल कहाँ पर है? ये है रुद्रप्रयाग जनपद में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद के प्रमुख बुग्याल। तो कौन कौन से बुग्याल हैं रुद्रप्रयाग जनपद में, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बर्मी बुग्याल। बर्मी बुग्याल, बुग्याल कहते हैं किसे हैं?
घास के मैदानों, छोटी छोटी घास के मैदानों को बुग्याल या पयार कहा जाता है। तो बर्मी बुग्याल नेक्स्ट है दोस्तों। यहां पर चोपटा बुग्याल, चोपटा बुग्याल आपने सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चोपटा बुग्याल भी कहां पर है, ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। वही बात करें मरनी बुग्याल, मरनी बुग्याल ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। कौन सा, मरनी बुग्याल भी दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। वही बात करें अली बुग्याल या कसनी बुग्याल, अली बुग्याल, अली बुग्याल पड़ता है दोस्तों चमोली और रुद्रप्रयाग सीमा पर। चमोली प्लस आरपीजी लिख देता हूँ, चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमा पर पड़ता है। कौन सा, अली बुग्याल। इसके बाद बात करते हैं कसनी बुग्याल, कसनी खर्क बुग्याल। तो आपको ये सारे बुग्याल, ताल और बेसिक चीजें याद रखनी है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लेना, और दोस्तों साथ ही साथ जी खोल के या मेहनत से दिन रात एक करके पढ़ाई कीजिएगा, मेहनत कर दीजिएगा।